नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा चंद्रा एक्यूपॉइंट टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन को सिलेक्ट कर लें। इससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। हमारे दर्द मुक्ति धाम में किसी भी मेडिसिन और दवाई का इलाज नहीं किया जाता है, इसमें दवा मुक्त इलाज किया जाता है। हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत का निर्माण करना है और अपनी पेथी के माध्यम से यहाँ पर रोगियों को स्लिप डिस्क, सर्वाइकल पेन, कैंसर, अस्थमा और घुटनों के दर्द में काफी आराम मिलता है। हाँ बताओ, पहले क्या प्रॉब्लम थी आपका? पहले भयंकर सांस की शिकायत। सांस की भयंकर शिकायत? भयंकर शिकायत थी, जोर से बोलो थोड़ा। भयंकर शिकायत थी सांस। उसके कान में लगवाने के बाद आप कितना क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? मालूम 30 करीब। हाँ, आप सीढ़ियों पे पहले चढ़ते थे तो अब सांस भयंकर आप सीढ़ियों पे चढ़ने में कैसा लगता है? बिल्कुल ठीक है, आराम से चढ़ जाता हूँ, मामूली महसूस होती है। ठीक है, और कोई सांस लेने में आप ज़्यादा परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। अब ठीक ठीक है। ये हमारे पेशेंट जीएल वर्मा जी हैं और शास्त्री नगर में रहते हैं। हमारे संस्थान का नाम सुनकर ये हमारे दिव्य आयुर्वेदिक एक्यू मैग्नेटिक चिकित्सा केंद्र पर आए और मैंने इनका इलाज डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी लगाए, साथ में इनको ऑरिक्यूलर ट्रीटमेंट भी दिया। तो इस प्रकार इनको शुरू के 7 दिनों में काफ़ी आराम मिलना प्रारंभ हो गया। पहले ये चढ़ते थे सीढ़ियों पर तो बैठ बैठ कर जाते थे और सांस फूल जाती थी, क्योंकि इनका मकान 4 मंजिल पर है, लिफ्ट है नहीं, तो इसलिए पैदल ही जाना पड़ता था और बहुत देर लग जाती थी बैठ बैठ कर जाने में। अब ये बिना रुके आराम से चढ़ लेते हैं और इनका उपचार अभी जारी है। मैंने इनको धूम्रपान छोड़ने के लिए कहा लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। यदि धूम्रपान छोड़ दें तो और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अस्थमा में आप धूम्रपान ना करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, गर्म पानी पिए, समय से भोजन करें, भोजन के साथ पानी ना पिए, कब्ज ना होने दें। तो इसके लिए आप सावधानी बरतें और यह उपचार इनका जारी है और उपचार 1 से 3 महीने या 4 महीने तक चल सकता है और रोगियों को काफ़ी आराम इस उपचार से मिलता है। नमस्कार।